दौलत राम कॉलेज फेमस है इसकी साइंस स्ट्रीम के लिए, इसीलिए इसे स्टार कॉलेज भी कहा जाता है। आखिर यहाँ ऐसी क्या फैसिलिटीज हैं कि साइंस में यहाँ के स्टूडेंट्स नंबर वन है, जानने के लिए चलते हैं एक लेबोरेटरी केमिस्ट्री लैब में हम पहुँच गए हैं। और इस लैब में जिस तरह के इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है यहाँ एक्सपेरिमेंट्स करना, और जानते हैं कि किस तरह से इस लैब में काम होता है, कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, सब आपको दिखाएंगे। और कुछ टीचर और स्टूडेंट्स से भी हम लोग बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या पढ़ाई यहाँ पर की जाती है कि साइंस में ये कॉलेज नंबर वन है। आइए कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स से ही हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर हम अगर कुछ स्टूडेंट से बात करें, अगर हम यहाँ कॉलेज की बात करें, दौलत राम कॉलेज स्टार कॉलेज से कहा जाता है, साइंस में काफ़ी अच्छा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। छुट्टियों में भी हमारे यहाँ वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्ट करी गई हैं, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे कि शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कोर्स है यहाँ पे, तो ये सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा ये हम जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी प्लेसमेंट के लिए काफ़ी हेल्प होगी और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे जॉब्स के लिए। अगर यहाँ पर और टीचर्स की बात करें, कितना हेल्पफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पर, यहाँ जिस तरह से लैब है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या पूरी तरह से आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है? टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं और हमको सारे सामान भी बहुत टाइम पे मिल जाते हैं, लैब स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमारा साइंस डिपार्टमेंट पूरा ही अच्छा है कॉलेज का। तो आप सारा टाइम स्टडीज़ करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो या कुछ मस्ती वस्ती करते हैं? थोड़ी मस्ती तो हम शरारत भी करते हैं लैब में, जिसकी वजह से हमें डांट पड़ जाती है, बट फिर वो भी एक एक्सपीरियंस है हमारा कॉलेज लाइफ का, तो हम उसे भी इंजॉय करते हैं स्टडीज़ के साथ साथ। कोई प्रैंक्स वगैरह भी करते हैं अपने टीचर्स के साथ? हाँ बहुत करते हैं हम तो, हमारे तो टीचर्स हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, पूरी एक एक चीज़ हम पूछते हैं, बताते हैं, सारे हेल्प करते हैं हमारी बहुत अच्छी तरह। तो कॉलेज में आकर किस तरह से अलग हो जाती है लाइफ, क्योंकि स्कूल से अलग है, ये जो इन्वायरमेंट स्कूल के टाइम पर आपको मिला था उससे बहुत अलग होते हैं, क्या डिफरेंस आपने देखा दोनों में? कॉलेज में तो ये कहते हैं स्टडी नहीं होती, बट हम तो स्टडी बहुत करते हैं यहाँ पर, और स्कूल से बल्कि अच्छी स्टडी होती है। स्कूल में तो टीचर्स का ये था उसने करा दिया और हमने कर लिया, बट टीचर्स यहाँ पर हमारे बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हमारी हेल्प करते हैं और हमें एक एक चीज़ बता बता के कराते हैं, और नोट्स भी इतने अच्छे होते हैं, कहते हैं कॉलेज में नोट्स नहीं बनते, बट हम तो पूरे नोट्स भी बनाते हैं प्रॉपर जाते हैं एग्जाम्स के लिए, और सिर्फ नोट्स से ही पढ़ते हैं और उससे हमारे काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। हम बुक्स वगैरह भी सारे हमें टीचर्स ही बताते हैं, अच्छी है इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे नोट्स भी होते हैं बहुत अच्छी तरह, टीचर्स हमें एक एक चीज़ लिखवाते हैं अलग अलग बुक्स से, पूरे नोट्स बनवाते हैं प्रॉपर। चलिए तो नोट्स भी खूब बनाए जाते हैं, और जिस तरह से यहाँ इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, साइंस में नंबर वन है ये कॉलेज और इसकी जो शुरुआत है वो इसी लैब से होती है, यहाँ पर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि अगर चीज़ें उन्हें अच्छी मिलेंगी, अगर फ्रीडम मिलेगी इतनी कि वो खुद से कुछ कर पाएँ, कुछ बन पाएँ, तो ये इन्वायरमेंट उनकी आगे आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसी के दम पर एक अच्छे कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट वो कहलाते हैं। धरती पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी का प्रमाण देती हैं, इंसानों के अलावा फूल पत्ते ग्रीनरी सब में जान होती है, और अगर इसे समझना है तो साइंस से बेहतर और क्या हो सकता है। साइंस में आपके हर सवाल का जवाब है, और साइंस के लिए अगर दौलत राम कॉलेज की बात करें तो ये नंबर वन माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस तरह की लैब्स हैं। इस वक्त हम बैठे हैं बॉटनी लैब में, यहाँ पर फूल पत्तियों की स्टडीज़ की जाती हैं और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को यहाँ समझाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से फूल पत्ते बढ़ते हैं और ज़्यादा जो ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा उड़ान मिलती है, और यहाँ से जो सपने लेकर स्टूडेंट्स निकलते हैं वो एक पूरा आधार अपना बनाकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सी में फिशेस शायद आप ना देख पाएं, लेकिन यहाँ पर हम इस वक्त दौलत राम कॉलेज के इस म्यूज़ियम में हैं, जहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ है जो उन्हें सिखाएगा कि किस तरह से सी लाइफ या फिर जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ होती है, और उनके बारे में और जानने का उनको मौका मिलेगा। और इनके बारे में और जानते हैं हमारे साथ मुकेश जी हैं यहाँ के इंचार्ज। मुकेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो लिविंग बींग्स हैं उनका सैम्पल आपने यहाँ पर रखा हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है।
लगता है, क्या क्या है यहाँ पर बताएं कुछ मैम? ये फीसिस वगैरह काफ़ी हैं इस पे, आपको स्कॉलोडॉन वगैरह, स्टार फीसिस, ये कितनी हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जब वो यहाँ काफ़ी होते हैं, जैसे न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको पहली बार ये देखने को मिलता है कि भाई ये सारी सारी चीज़ें हमें समुद्र में देखने को मिलती हैं, और ये हम ये इस कॉलेज में देख रहे हैं काफ़ी अच्छा। दिल्ली में वैसे भी सी नहीं है? नहीं जी, नहीं दिल्ली में है फीसिस, लेकिन वो म्यूजियम में देखते हैं ये अलग तरह की। ये आप बच्चे जस्ट टाइम 11th या 12th में होते हैं तो डिस्कवरी में देखते हैं, और जब कॉलेज के अंदर आते हैं तो ये चीज़ें उनको सारी देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको और काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि हम अगर देखें पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब सामने जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो वो होता है तो फिर उसका एक अलग चार्म होता है, अलग तरह से उसको समझने में और ज़्यादा मदद मिलती है। इस पूरे म्यूजियम में काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ हैं उनको हम देख रहे हैं जी, रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनसे भी कोबरा आपने डिस्कवरी में देखा होगा, ये रिटेल है, ये कोबरा देखो हम इसमें दिखा रहे हैं, बच्चे देखते हैं इनको, कोबरा है और आपका रेटल स्नेक है, ये देखिए ये स्नेक है, ये स्नेक है, रेटल स्नेक, स्नेक आपको सारी वैरायटी मिलेंगी इसके अंदर, जिसके ये देखिए इसको हिंदी में कहते हैं दो मुंह वाला सांप जी, ये देखिए, और ये कछुआ मैम छोटा, एक छोटा सा कछुआ भी यहाँ पर है जो काफी क्यूट सा भी लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा भी उससे है वो भी हम देखते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं उनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल मैम, कई बार इनका जैसे पानी वानी सूख जाता है तो इसको हम फॉर्मूले में डाल के इसको रखते हैं, क्योंकि बिना उसके फॉर्मूले के रखेंगे तो सारे सूख जाएंगे, तो इसको हम फॉर्मूले में इसको पैक करके रखते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सके जी। और स्टूडेंट्स कितना यहाँ पर आते हैं इस म्यूजियम में, क्योंकि उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं उसका पूरा इस्तेमाल। जी के बच्चे तो सारे ही होते हैं एक्चुअली, जैसे बॉटनी वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले हो गए, और स्टूडेंट हो गए, वो भी आते हैं तो देखते हैं वो काफ़ी कि सर हम एक बार म्यूजियम देख लें, हम तो उनको बड़े आराम से दिखाते हैं सबको। चलिए तो क्रेज का बहुत खुश होते हैं देख के। चलिए क्रेज बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं हम कि इतने सारे जो एनिमल्स, मैमल्स, जो रेप्टाइल्स वगैरह है वो काफी हेल्प करते हैं जूलॉजिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये समझने में कि जो लिविंग बींग्स इंसानों के अलावा है वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ होती है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और ये जो पूरा म्यूजियम है यहाँ दौलत राम कॉलेज का, ये इसमें हेल्प करता है उन स्टूडेंट्स की जो इसी में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक तरह से जो साइंस का स्ट्रीम है उसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके लिए दिखाने के लिए कि जो भी चीज़ें वो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो किस तरह से प्रैक्टिकली उनके सामने आ सकती हैं, इसमें लग रहा है कि दौलत राम कॉलेज ज़रूर कामयाब हो रहा है। इस तरह के बेंच पर कब आखिरी बार बैठे थे आप? याद है आपको कॉलेज के वो दिन, वो फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में पढ़ाई करना और थोड़ा थोड़ा टीचर्स को परेशान करते हुए मस्ती करना, ये सब फन है कॉलेज लाइफ के। कॉलेज की ये लाइफ 3 साल कैसे गुजर जाती है ये पता ही नहीं चलता और आगे बढ़ने का वक्त हो जाता है। हमारा वक्त भी यही खत्म हो रहा है। दौलत राम कॉलेज के बारे में आपने जाना किस तरह से ये कॉलेज 1960 से लेकर अब तक खुद को मेंटेन करके रखे हुए है और साथ ही यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में से एक बन गया है। फिलहाल चले कैंपस के सफर को यहीं विराम देने का वक्त हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद टोटल न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।